हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेरी मोटिवेशनल वीडियो और ये है कामयाबी से रिलेटेड। हर कोई इंसान अपनी फील्ड में, अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्यों में कामयाब होना चाहता है और क्यों ना होना चाहे। कामयाबी किसको पसंद नहीं है, हर एक को पसंद है कामयाब बनना, सबसे प्रशंसा लेना। अगर कोई तारीफ करता है कि हाँ आपने तो बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है, तो खुद सोचकर देखो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी बनना चाहते हैं कामयाब, तो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो ज़िंदगी में आप कभी भी नाकामयाब नहीं रहोगे। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। एंड वो पॉइंट्स हैं, नंबर वन पॉइंट, सबसे पहले आप अपना एक गोल निर्धारित करो, एक लक्ष्य निर्धारित करो। एक लक्ष्य निर्धारित करना है आपको और वो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग निर्धारित करना है। ये नहीं है कि लाइक आज मैं एक क्लर्क हूँ और मैं सोच लूँ कि इस ईयर के एंड तक मुझे तो इस कंपनी का CEO बनना है। नॉट लाइक दैट। लक्ष्य वो होना चाहिए जो हम 1 ईयर तक या नेक्स्ट 6 मंथ तक, जितना टाइम के अकॉर्डिंग हम निर्धारित करते हैं, उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो नंबर वन थिंग कि आप जो नेक्स्ट मंथ्स में, नेक्स्ट ईयर में, 2 ईयर्स में आप कर सकते हैं, उस गोल को आप फिक्स कीजिए। एंड देन सेकेंड पॉइंट ये है कि उस गोल को पाने के लिए आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य में जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग नहीं है, लाइक आप भटकते हैं, सपोज करो कि मैंने सपोज किया कि मुझे टीचर से प्रिंसिपल बनना है, लेकिन हो क्या रहा है कि कभी कभी मैं बीमार हो गई हूँ, कभी मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, कभी मेरे रिलेटिव्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि उन प्रॉब्लम्स पे से अपने आप को वीक लेकर, वीकली अपने आप को लेकर आ रही हूँ, वीक बनती जा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ यार अगर ऐसा नहीं हुआ होता ना तो मैं प्रिंसिपल बनी गई होती। तो ये क्या है, ये एक्सक्यूजेज हैं, वो छोटे बच्चे देते हैं ना एक्सक्यूजेज, जो स्कूल में जाते हैं, मैम मम्मा ने होमवर्क नहीं कराया ना इसलिए नहीं किया, मैम ब्रश कर रहे थे ना धीरे धीरे तो लेट हो गए। तो ये एक्सक्यूजेज हैं, ये एक्सक्यूजेज हैं, ये वो एक्सक्यूजेज हैं कि जो हमें हमारे लक्ष्य से सिर्फ भटकाते ही नहीं हैं, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि हाँ हम तो कर सकते थे, इवन हम करने ही वाले थे, लेकिन यार ये नहीं हुआ होता ना तो हम कर लेते। तो सबसे पहले अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को इस चीज़ के लिए तैयार करो कि आपको ये गोल अचीव करना है तो हर कॉस्ट पर अचीव करना है। हर कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलेटिव्स को भूल जाओ, आप अपनी हेल्थ को भूल जाओ, आप अपने नेबर्स को, अपनी फैमिली को, आप सोशल लाइफ भूल जाओ, इस तरह का बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी अपने गोल पे किक मारोगे और वो भी जोरदार। तो फर्स्ट हमारा हो गया कि एक गोल निर्धारित करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना है। सेकंड है उस पे स्ट्रांग डिटर्मिनेशन कि उसको अचीव करना है तो करना ही है। नाउ थर्ड पॉइंट, उसको अचीव करने के लिए हमें हमारे अंदर जो वीक पॉइंट्स हैं उनको हटाना होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसी और से नहीं लड़ना है, हमें किसी तीसरे इंसान से नहीं लड़ना है कि जा आज तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं तो प्रिंसिपल बन के दिखाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। नॉट लाइक दैट। प्रिंसिपल बन के दिखाना है तो मुझे किसी और से नहीं लड़ना, मुझे अपने आप से लड़ना है। मुझे पहले फाइंड आउट करना है कि वो क्या कमी है कि मैं अभी तक टीचर हूँ, वो क्या कमी थी मेरे में कि मैं प्रिंसिपल नहीं बन पाई, जबकि मेरे में नॉलेज तो है प्रिंसिपल बनने की, फिर क्यों नहीं बन पाई? क्या मैं आलसी थी, क्या मैं लेजी थी, क्या मैं सोती ज़्यादा थी, या मेरा काम में इंटरेस्ट नहीं था, या फिर मैं हार्ड वर्कर नहीं थी, या फिर मैं स्मार्ट वर्कर नहीं थी। तो ऐसा जो भी था मुझे अपने अंदर से फाइंड आउट करना है एंड उसको परमानेंटली रिमूव करना है। सबसे पहले मुझे किसी और से कोई फाइट नहीं करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। सबसे पहली फाइट मेरी खुद से होगी कि मेरे अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको मैंने हटाना है, परमानेंटली रिमूव करना है, उनको लाइफ में अपने आगे नहीं, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ताकि मैं उस डिटर्मिनेशन तक पहुंच पाऊं। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, गोल निर्धारित कर लिया लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कि इतने टाइम में हम इतना कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सेकंड क्या था, कौन बताएगा,
मैं तो भूल गई, आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो जल्दी से। एंड थर्ड जो मैंने अभी बताया, मैं तो ये भी भूल गई, भुलक्कड़ हूँ क्या मैं? नहीं, आई एम टेस्टिंग टू यू। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं और आपको रियल में एक गोल हासिल करना है तो आप ये ध्यान से सुनेंगे, माइंड में सेट करेंगे और इसको परमानेंट पेस्ट कर देंगे जब तक वो गोल आपका हासिल नहीं हो जाता। ओके, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरा सेकेंड और थर्ड जो पॉइंट था वो मैंने आपको क्या बताया था। अब मैं आ रही हूँ अपने फोर्थ पॉइंट पे। आजू बाजू दाएं बाएं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, इससे थोड़ा सा हट जाओ पीछे, क्योंकि ये कामयाब होने की सबसे पहली सीढ़ी ये है कि लोग नीचे धकेलते हैं। सीरियसली, जब आप ऊपर चढ़ने लगोगे ना तो बाकी सब लोगों का टारगेट क्या होगा कि वो आपको नीचे धकेलेंगे, वो आपसे जालस करने लगेंगे, आपको वो आपसे वो निराश होने लगेंगे। यार पहले तो तू रोज कॉल करता था, आजकल तो तू कॉल ही नहीं करता, तो तुम्हें क्या होगा कि तुम अपना डिटर्मिनेशन अपने गोल से साइड में हटके क्या सोचोगे कि यार मेरा तो दोस्त मुझसे गुस्सा हो गया, मुझे इसको कॉल करना चाहिए था, क्या हुआ इससे? माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, गोल वाला पोर्शन धुंधला होने लगा। तो ये सब नहीं सोचना, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करने चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दोबारा नीचे धकेलती हैं। जस्ट लाइक हमारे बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स, एक्चुअली वो जानबूझ के नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग बुरे हैं और वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। अगर मुझे कोई रेगुलर कॉल करता है और कुछ दिन वो कॉल नहीं करता तो ऑब्वियसली मैं उसको बोलूँगी कि तुमने मुझे कॉल नहीं करा और क्यों नहीं करा एंड ऑल दैट। लेकिन सामने वाले का गोल क्या है, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डिटर्मिनेशन है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसको अचीव करना है, ये उसको खुद सोचना है और उसको मुझ पर मुझे अपने उसको उसको जो है अगर मैं कॉल करके बोलती हूँ ये सब तो उसको क्या करना है कि मेरे व्यूज़ को, मेरी निराशा को उसके ऊपर हावी नहीं होने देना है, पॉजिटिवली हैंडल करना है। हो सके बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको पॉजिटिवली समझाइए कि आप इन दिनों उनका कॉल क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे। अगर तब भी वो समझना नहीं चाहते तो समझ लीजिए कि वो आपके दोस्त नहीं हैं, थोड़ा सा साइड में हैं, वो कहीं से कहीं ना कहीं आपसे जेलस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि आप जो है हायर 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 जाएं, वो सोचते हैं कि आपकी पोस्ट आपकी डेजिग्नेशन उन तक ही रहे या फिर उनसे नीचे ही रहे, तो वो आपके वेलविशर तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ तक आप बिल्कुल मतलब सोच लीजिए, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। अगर आप कामयाब हो रहे हो तो सबसे पहले लोग आपसे चिढ़ना, जलना, जेलस करना, आपका तिरस्कार करना, आपको इंसल्ट करना, यार ये इंसान तो बिल्कुल केयरिंग नहीं है, ये इंसान तो बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं करता किसी की, तो इस तरह के आपको जो है ब्लेम्स लगने लग जाएंगे। लेकिन एंड इसका क्या होने वाला है, एंड क्या होने वाला है, सिर्फ 4-5-6 मंथ, वन ईयर के बाद जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, जब आपने आपका गोल हासिल कर लिया, और वो गोल हासिल कैसे किया, एक गोल को फिक्स किया, अपने अंदर से सारी कमियों को दूर किया, रिमूव किया, अपने रिलेटिव्स को, अपने और लोगों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने दिया, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखी, सब सा सारी चीज़ों को जब आप अप्लाई करने के बाद अपने गोल को यूं जोर की किक मारेंगे तो रिजल्ट सामने क्या आएगा कि आप एक अपना गोल हासिल कर चुके होंगे, और उस टाइम क्या होगा, चारों तरफ से तालियों की गूंज। कोई वन ईयर के बाद ये नहीं बोलेगा यार ये तो रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, यार ये तो केयरलेस है, यार इससे बात करके तो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये तो बहुत घमंडी है, बल्कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाएगा। वो बोलेंगे यार ये तो शुरू से बहुत हार्डवर्किंग था, मुझे पता है ना, मैं तो बचपन से देखा है इसको, बहुत हार्डवर्किंग था, ये तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, पहले से हमें पता था, इसकी तो फैमिली बहुत अच्छी है यार, इतनी कोऑपरेटिव फैमिली है, ये अपनी फैमिली को इतना सपोर्ट करता है, इसने तो कुछ ना कुछ बनना ही था, बहुत संस्कारी बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होनहार सिटीजन है, बहुत इंटेलिजेंट है, शुरू से इंटेलिजेंट रहा है। मतलब जो लोग आपके दुश्मन है ना वो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में आके खड़े हो जाएंगे, फ्रेंड्स तो थे ही, हाँ वो थोड़ी देर के लिए आपसे डिसअपॉइंट जरूर होंगे, लेकिन दुश्मन भी आपके फ्रेंड लिस्ट में आएंगे, आगे से आके आपसे हाथ मिलाएंगे, आपको सल्यूट करेंगे और बोलेंगे यस बॉस। तो यही है कामयाब होने का फंदा, अगर आपने इन चीज़ों को बिल्कुल सख्ती से अपनी लाइफ में अपनाया
तो आपको कोई भी इंसान, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे लड़के आपको ऐसा लगे कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे, वो चीज़ आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में एंड आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं लास्ट में बताती हूँ अपनी वीडियो के, और वो ये है कि आगे बढ़ते वक्त पीछे मुड़कर कभी ना देखें। आगे बढ़ते वक्त पीछे मुड़कर कभी ना देखें, क्योंकि पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद वहीं रुक जाएंगे। आगे बढ़ते रहें कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कभी 6 मंथ में या फिर 1 ईयर में आपका गोल अचीव ना हो, बहुत ज़्यादा वो करने के बाद भी, तो एक स्टेप कई बार पीछे लिया हुआ ना सिंह की दहाड़ बन जाता है। नेक्स्ट टाइम आप प्रिंसिपल नहीं, उससे भी ऊपर बनेंगे, स्कूल के ऑनर बनेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप यू लाइक दिस। इफ यू रियली लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। बाय बाय, हैव अ गुड डे।